आज मैं ग्रामीण डाक सेवा की सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूंगा। देखिए, मेरिट लिस्ट के बाद कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दूंगा। बहुत सारे फ्रेंड के मन में ये कन्फ्यूजन शायद है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, पहले जो बात है वो बात है आपका सिलेक्शन विल बी मेड एज पर ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट। अच्छा, तो 5 से पॉइंट को लेके मैं डिस्कस करूंगा। इसी में से आपका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूरल है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑटोमेटिक जनरेट मेरिट लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, आप जिस टाइम रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम में आप, अगर मान लो आपका 10th का बोर्ड में आपका 92% आपका मार्क्स आया था, परसेंटेज, किसी का 93% आया था, किसी का 90% आया था, तो रजिस्टर करने के वक्त ही अब हर एक ने वो परसेंटेज दे दिया था, तो उसी वक्त ही तैयार हो गया था कि आपका जो मेरिट लिस्ट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है ऑटोमेटिक जनरेट मेरिट लिस्ट, मतलब यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई एग्जाम पेपर चेक करने का कोई मतलब लफा नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन करने के समय आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार हो चुका है, इसीलिए ऑटोमेटिक जनरेट मेरिट लिस्ट बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, मतलब इसमें एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप अगर 10th के बाद 12th डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, व्हाट एवर इट इज, आपका कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप हर एक को 10th बोर्ड का परसेंटेज वाइज आपका मेरिट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल विल बी द, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, विल बी द मेरिट लिस्ट। ओके, देखिए, तो यहाँ पे जो 4 डेसिमल, इसका फंडा क्या है? देखिए, अगर आपने 90% आपको मिला है, ठीक है, तो 90 पॉइंट, ये एक्यूरेट 90% तो मतलब अगर आपका है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मैक्सिमम जो होता है वो डेसिमल में थोड़ा बहुत होता है, तो मान लीजिए 1, 2, 6, 7। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ था, उसी मार्क्स के ऊपर बेस करके वो लोग ये 4 डेसिमल तक एक परसेंटेज बनाएगा। तो अगर मान लो 90% आपका भी है, दूसरा का भी है, तो इस 4 डिजिट में जिसका परसेंटेज आगे रहेगा उसी को पहले चांस मिलेगा, इसीलिए 4 डेसिमल। ये एक सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का एक आप बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अच्छा, उसके बाद देखिए, थर्ड जो पॉइंट है, इन केस कैंडिडेट्स गेट द सेम मार्क्स द मेरिट ऑर्डर वुड बी टेकन एज डेट ऑफ बर्थ, हायर एजुकेशन, एसटी फीमेल, एसटी एससी फीमेल, ओबीसी फीमेल, लोअर फीमेल, एसटी। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा, डेट ऑफ बर्थ जो है, सॉरी, जो कैंडिडेट का अगर मार्क्स सेम आ जाएगा तो 4 डेसिमल तो एक प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद भी डेसिमल 4 डेसिमल तक भी आपका नंबर सेम आ जाएगा, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये होगा भी। ठीक है, तब आपका क्या किया जाएगा, द मेरिट जो ऑर्डर होगा वो होगा पहले डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ हायर एज एज मेरिट, जिसका एज ज्यादा है उसको पहले मतलब रखा जाएगा, क्योंकि उसका जो जॉब का एज वो जल्दी मतलब खत्म हो जाएगा, उसका अपॉर्चुनिटी कम कम मिलेगा, इसीलिए ये मतलब कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद एसटी फीमेल, उसके बाद एससी फीमेल, उसके बाद ओबीसी फीमेल, उसके बाद अनरिजर्व फीमेल, उसके बाद अनरिजर्व मेल, उसके बाद ये एसटी, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एसटी मेल, एसटी फीमेल जो भी है। ठीक है, तो ये आपका बात है। अच्छा, नंबर फोर्थ जो पॉइंट है,
कैंडिडेट कैन ऑप्ट एनी 5 चॉइस फॉर द पोस्ट। ये बहुत ही समझने वाली बात है। देखिए कैंडिडेट 5 जो पोस्ट दिया हुआ था, हर एक पोस्ट को चूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 पांच तक चूज कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात क्या है, इफ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर 5 पोस्ट विद प्रेफरेंस पोस्ट 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 फॉर पोस्ट 4 पोस्ट 5 इटीसी एंड सिलेक्टेड मेरिटोरियस इन मोर देन 1 पोस्ट, द पोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस विल बी ऑफर्ड एट द कैंडिडेचर फॉर द ऑल रिमेनिंग पोस्ट विल बी 45। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, आप अगर 5 ही पोस्टों में अप्लाई करने के बाद अब मेरिटोरियस निकला, हर एक पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो चुका, आपका कट ऑफ अगर मान लीजिए जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो किसी जोन में 95% है, तो आपका 95% ऊपर है, 96% 97% वॉट एवर इट इज 95%। तो आप जो रूल वाइज आप 5ों पोस्ट में आप एलिजिबल हो, तो इसीलिए उसमें से क्या किया जाएगा, आपका जो प्रेफरेंस जिसका हाई आप दिए हो रजिस्ट्रेशन के, आप उसी को रख के बाकी सबको हटाया जाएगा, 45 मतलब कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद 5th पॉइंट जो है, द कैंडिडेट विल गेट एन एसएमएस ऑन हिज प्रोफेशनल सिलेक्शन ऑन द प्रेस्क्राइब डेट आफ्टर सिलेक्शन। ये तो जरा सी बात है, मतलब सभी को एसएमएस मिल जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होगा तो। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट कैन व्यू हिज हर रिजल्ट स्टेटस इन वेबसाइट बाय प्रोवाइडिंग द रेफरेंस नंबर टिल द रिजल्ट अनाउंस। रिजल्ट जब निकल जाएगा आप प्रोवाइडेड वेबसाइट में जाके आपका मोबाइल नंबर देके, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए थे उसी को देके आप रिजल्ट जान जाओगे। ठीक है, तो यही उस आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कोई एग्जामिनेशन तो नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फर्दर वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो आपके तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए।